नहीं रोकेंगे विभक्ति। ये है कि अपन रात को घूमने नहीं जा पाएंगे मार्केट में। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या किया 10,000 वर्ष यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, फिर उनसे जो है तो दो पुत्र हुए, मानुष पुत्र पैदा हुए सोन और भद्र। फिर ये बाल अवस्था में खूबसूरत थे और नर्मदा भी खूबसूरत थी, तो इन्होंने दोनों आपस में शादी करने के लिए तय कर लिया कि हम दोनों शादी करेंगे। तो दिलिया नाम की दासी थी सहेली की सखी, तो उनके साथ मतलब धोखा कर दिया, वो इससे शादी करना चाहती थी। तो सब ढक करके पहुंची, जब बारात और देवताओं सब मंडप और सब बारात आ गई, देवता भी आ गए सब, तो शादी कराने के जब सोचे तो दिलिया आकर के बीच में खड़ी हो गई सब ढक करके। वो नर्मदा ने कहा जाओ देख आओ दूल्हा को बारात को, तो वो आज सब ढक करके पहुंची, तो देवताओं ने सोचा कि यही है नर्मदा, तो शादी इसके कराने सोचे। तो नर्मदा को पता चला कि सहेली मेरी शादी का चाह रही है, तो आकर के गुस्से में सहेली को मारा दोला, तो वहाँ जाके गिरी दुलिया नाम की नदी निकली है वहाँ से जलेश्वर में, और अपना रुष्ट होकर के पश्चिम को चली गई कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे साथ धोखा। तो ये अपना पूरब को चले गए और ये अपने पश्चिम को, ऐसी कहा। ठीक है, ¡Gracias!
बारहवीं शताब्दी का माना जाता है। इससे भी दुगनी हाइट से पानी गिर रहा था वो नीचे वाला। लोग उसके नीचे खड़े होकर नहा रहे हैं। तो इसमें क्या लोग रहने लग गए क्या?